करेगा, क्योंकि आज की तारीख दे विच कांग्रेस अकाली दल बीजेपी जां आम आदमी पार्टी, देखो सारे आम आदमी ने जी, सारे आम आदमी ने, आम आदमी पार्टी का कोई काडर सुन के बहुत दुख हुआ। एक व्यक्ति की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हुए हैं जो अस्पताल में हैं। अभी भगवंत मान जी उनसे मिलने के लिए गए हुए हैं, नहीं तो उनको भी आ जाना था। इसके कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते श्री हरमंदर साहब जी के दरबार साहब जी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करने की कोशिश की गई। कुछ लोग तो हैं जो पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी वारदातें चुनाव के टाइम पे क्यों होती है? पिछली बार भी चुनाव के कुछ दिन पहले, हफ्ते दस दिन पहले मोड़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। पिछली बार भी 2015 में बेअदबी का बरगाड़ी कांड हुआ था, और अब फिर चुनाव के कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रची है। कौन है ये लोग, कौन करवा रहा है ये? आज मीडिया ने मेरे से पूछा, मैंने कहा भाई जो व्यक्ति दरबार साहब के अंदर जाके उसने बेअदबी करने की कोशिश की, मेरे हिसाब से उसने खुद नहीं किया, उसको भेजा गया है, किसी ने भेजा है, कोई मास्टरमाइंड है कहीं बैठा है जो ये करवा रहा है। जब तक उस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इस तरह के सिलसिले चलते रहेंगे। पिछली बार जो बेअदबी का कांड हुआ था 2015, उसके बाद 2016 बीत गया, 17 बीत गया, 18 बीत गया, सरकार बदल गई, अकाली दल की सरकार चली गई, बाद कैप्टन की सरकार, कांग्रेस की सरकार आ गई, कैप्टन बदल गए, चन्नी साहब की सरकार आ गई, आज तक दोषियों को सजा नहीं मिली। तो संदेश क्या दे रही हैं पंजाब की सरकारें कि ये चलता रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, दोषियों के साथ खड़ी हैं ये सरकारें। आज अगर पुराने बेअदबी जिन लोगों ने करवाई थी उसके मास्टरमाइंड को पकड़ के सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाती होती, किसी की हिम्मत नहीं होती दोबारा बेअदबी करने की पंजाब के अंदर। तो क्या माने, मिले हुए ये सारे? और आज पंजाब के अंदर इतनी कमजोर सरकार है, इतनी कमजोर सरकार है, आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, झगड़ रहे हैं ये लोग, ये मंत्री उसके खिलाफ लड़ रहा है, उनका पंजाब का अध्यक्ष मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहा है, ये क्या पंजाब सरकार चलाएंगे? इतनी कमजोर सरकार पंजाब को अच्छी व्यवस्था, विकास, शांति नहीं दे सकती। आज पंजाब की सबसे बड़ी जरूरत है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सख्त, स्टेबल और ईमानदार सरकार देंगे पंजाब को। जब तक सख्त सरकार नहीं आएगी, जब तक स्ट्रांग सरकार नहीं आएगी, जब तक सख्ती वाली और ईमानदार सरकार नहीं आएगी, तब तक शांति बहाल नहीं हो सकती। इस किस्म के कांड, बॉम्ब ब्लास्ट, बेअदबी के कांड चलते रहेंगे। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है पूरे देश के अंदर जो ईमानदारी के साथ काम करती है। दिल्ली के अंदर करके दिखाया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, पंजाब के अंदर भी ईमानदार सरकार देंगे, सख्त सरकार देंगे, स्टेबल स्थिर सरकार देंगे, और ऐसी सरकार देंगे जो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। तो आज इस पावन धरती से, देशभक्तों की धरती से, मैं पंजाब के लोगों को एक गारंटी देके जा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी
पंजाब में शांति व्यवस्था कायम करेंगे, हर व्यक्ति को सुरक्षा देंगे और पंजाब के अंदर भाईचारे को बढ़ाएंगे, भाईचारा सभी धर्मों सभी जातियों के अंदर भाईचारा बढ़ाएंगे। इसके लिए हम 5 कदम उठाएंगे। सबसे पहला कदम, पुलिस के अंदर जितनी भर्तियां होती हैं सारी पैसे ले दे के होती है, होती कि नहीं? सचों की भी भर्ती पैसे ले दे के होती है, थाने की भी भर्ती पैसे ले दे के, एसपी की एसएसपी की होती है कि नहीं होती है? होती है। और अभी सुन रहे हैं कि आज की मौजूदा सरकार में भी पुलिस वालों की भर्ती के रेट लगे हुए हैं, एसएसपी की भर्ती के इतने रेट, एसपी की भर्ती के, डीएसपी की भर्ती के इतने रेट। ये बंद करेंगे, ये सब बंद होगा। ईमानदारी के साथ अच्छे पुलिस अफसरों को, एफिशिएंट पुलिस अफसरों को अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी ताकि वो पंजाब के अंदर सुरक्षा कायम कर सके। और अच्छे पुलिस अफसर को लगा के उसके काम में कोई एमएलए की दखलंदाजी नहीं होगी, कोई राजनीतिक पॉलिटिकल दखलंदाजी नहीं होगी। जो अभी रमन बहल साहब ने कहा, एफआईआर की पर्चे की, रजिस्टर पर्चे की कॉपी जो है वो थाने के अंदर होगी, वो पर्चे की कॉपी एमएलए के घर पे नहीं होगी। पुलिस वालों के काम के आज में दखलंदाजी बंद करेंगे। ये हमारे कुंवर विजय प्रताप साहब हैं, पुलिस में आईजी थे, ईमानदार अफसर थे। बरगाड़ी कांड की इन्होंने जांच करी, जांच करके इन्होंने बड़े बड़े लोगों को दोषी पाया, इनकी रिपोर्ट दबा दी गई, इनकी रिपोर्ट खारिज करा दी गई। आज अगर इस पुलिस अफसर को ईमानदारी से काम किए दे करने देते ये लोग, भाई साहब दोबारा बेअदबी नहीं होती, फिर बड़े बड़े लोग जेल में बैठे होते। ईमानदार पुलिस वालों को काम करने देंगे, उनके काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे अफसर भी हैं, उनको काम नहीं करने देते, उनको साइड में बिठा के रखते हैं, बेईमानों को अच्छी पोस्टिंग मिलती है केवल। ये बदलेंगे, तो पहली ये गारंटी। दूसरी चीज, जितने पुराने अभी तक के बेअदबी के कांड हुए हैं और जितने बॉम्ब ब्लास्ट के कांड हुए हैं, एक एक कांड की जांच करा के समयबद्ध तरीके से उनके जो ऊपर आगू बैठे हैं, जो सबसे ऊपर उनके मास्टरमाइंड बैठे हैं, उनको जेल में चक्की पिसवाएंगे, उनको ऐसी सजा दिलवाएंगे कि दोबारा बेअदबी, किसी भी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए, सिखों के धर्म की भी नहीं होनी चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब जी की भी नहीं होनी चाहिए, हिंदुओं के ग्रंथों की भी नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के ग्रंथों की भी नहीं होनी चाहिए, क्रिश्चियन के किसी के भी ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। ऐसी सजा दिलवाएंगे जिन्होंने अभी तक बेअदबी किया, दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। तीसरी चीज, बॉर्डर का, एक एक इंच बॉर्डर का हम सुरक्षा करेंगे ताकि वहां से कोई आतंकवादी ना आ सके और नशे का एक ग्राम भी वहां से पाकिस्तान से इधर नहीं आने देंगे। चौथी चीज, कुछ अफसरों से मैं बात कर रहा था, ये आजकल ड्रोन बहुत आने लग गए पाकिस्तान की तरफ से, इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी फौजें, बीएसएफ, पुलिस, इनके पास साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए, इनको लेटेस्ट से लेटेस्ट सबसे आधुनिक तकनीक देंगे, कोई ड्रोन आए तो सीधे उसको मार गिराओ, ऐसी तकनीक हम अपने फौजियों को देंगे। और पांचवीं चीज, जितने भी अपने गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, डेरे हैं, हर एक की सुरक्षा करने के लिए अलग से पुलिस फोर्स बनाई जाएगी ताकि दोबारा कोई बेअदबी का कांड ना हो। तो ये 5 चीजें मैंने बताई हैं, पंजाब के अंदर शांति, सुरक्षा और भाईचारे का माहौल कायम करने के लिए। आज मैं पंजाब के लोगों को ये आश्वासन और गारंटी देके जा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो होगी, ईमानदार होगी, सशक्त होगी, स्ट्रांग होगी और पंजाब के अंदर शांति का माहौल कायम करेगी। पिछली बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने गुटके की कसम खाई थी कि उनकी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे। नशा खत्म हुआ? बड़ा है नशा, बड़ा है नशा, हर पिंड के अंदर नशा आज भी बिक रहा है, घर घर के अंदर नशा है। हमारे यूथ, हमारे युवा, हमारे बच्चे या तो कनाडा चले गए और जो बच गए वो बेचारे नशे के अंदर डूब गए।
आज पंजाब का युवा क्राइसिस के अंदर है। क्या हुआ इनका? 5 साल बाद अब जब दोबारा चुनाव आए हैं तो इन्होंने मजीठिए के खिलाफ एक पर्चा दाखिल कर दिया। 5 साल लग गए इनको एक पर्चा दाखिल करने में, और बब्बर शेर की तरह चिल्ला रहे हैं वो सिद्धू साहब और चन्नी साहब, हमने पर्चा कर दिया, हमने पर्चा कर दिया, हमने। अरे क्या कर दिया तुमने? एक पर्चा करने से पिंडों में ड्रग खत्म हो गई, नशा खत्म हो गया? मैं पूछना चाहता हूं, नशा बिकना बंद हो गया? वैसे नशा बिक रहा है? एक पर्चा करके चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जनता के साथ राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब इनका मकसद नशा दूर करना नहीं है, इनका मकसद दोबारा चुनाव में वोट बटोरना है।